अब मेरा क्या होगा महाराज? न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। क्या ये मेरा अपराध है? मैंने केवल उस बच्चे की जान बचाने में अपना बच्चा खो दिया। अपने बच्चे के छीन जाने का दुख एक माँ से अधिक और किसी को नहीं होता। हम सदैव आपके निर्णय के प्रशंसक रहे हैं। हमारा कभी ये अभिप्राय नहीं रहा है कि हम आपके आदेशों की अवहेलना करें। यदि संतति उत्पन्न होती तो उसे भी आप अपनी तरह स्वार्थी बनाते। आप में न एक पत्नी की छवि है और न ही एक माँ की। वीरांगना थी, वीरांगना रहूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते, उत्सव मनाया जाता है। हमारी मौत तुम्हारी जीत की तरफ पहला कदम है। एक न एक दिन ये फिरंगी हमारी धरती मां को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। और यदि हमारे मरने के बाद तुम झांसी की आत्मा को जगा सकती हो तो हमारा मरना सफल है। अपना ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने चाह तो फिर मिले। फिरंगी, रख दे इस राख को। हमने कहा ना रख दे इसे सम्मान के साथ। ये एक शहीद की राख है और इसे कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा सकता। Na jayate mriyat vakdachi Ayam butva avita bhanay bhoya Aju nityam shastostram purano Na hanente hanyamane shrive Main shahid Samar Singh ko shraddhanjali dene aaya tha। Anjane mein agar mujhse bhool hui hai तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नरसिंह राव जी, आप रघुनाथ के साथ जाकर महारानी का शीघ्र पता लगाएं। जी महाराज। रघुनाथ, हमारे सैनिकों को झांसी के हर क्षेत्र में उन्हें ढूंढने के लिए भेजो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूं। बाबा, आप चिंता न करें, रघुनाथ और नरसिंह राव जी महारानी को शीघ्र महल में वापस ले आएंगे। जो आज्ञा महाराज। बाबा, आप हमें एक बात बताइए, क्या महारानी ने कहीं जाने की चर्चा की थी आपसे? नहीं। महाराज,
फोर्ट विलियम से मेजर एलिस आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहना। जो आज्ञा महाराज। फोर्ट विलियम से नया अधिकारी मिलने के लिए आया है, अवश्य बटालियन हटने पर कंपनी ने अपना शोक व्यक्त करने के लिए उसे भेजा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बाबा। आप आरती में मग्न थी इसलिए व्यवधान डालना उचित नहीं समझा। क्या है महाराज? आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा। आप महल छोड़कर वापस क्यों? अब हमारा वहां रह क्या क्या है? वापस चले। यदि आप हमारे साथ वापस नहीं चले तो हम ये समझेंगे कि आपको हमारी खुशी से खुशी नहीं। आप हमारे साथ चले और हमारी प्रसन्नता यानी हमारे समारोह में सम्मिलित हो। आप तो सबकी खुशियों के लिए सदैव तत्पर रहती थी, परंतु जब हमारी बारी आई तो आप महल छोड़कर चली गई। इसका अर्थ यह है कि आपको हमारी चिंता। ये आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे? हर निर्णय में आप सदैव हमारे साथ थी और इस बार आप स्वयं को कैसे अलग कर सकती? आपके सम्मिलित होने से हमारी इच्छा के सोच रही हैं आप? कैसे लगे आपको दुल्हन? आपने अभी तक स्वीकृति रह पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।